गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं श्री मैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। सहारनपुर बुलेटिन की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम सुर्खियों पर। गांव में खेलते तीन बच्चों के अपहरण की खबर और हरकत में आई पुलिस, तो देखिए क्या हुआ, बताएंगे विस्तार से। अचानक से मालवाहक वाहन में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप, कड़ी मेहनत के बाद कैसे मिला सहारनपुर के नौजवान को भगवान शनिदेव का लीड किरदार। खबरों के बीच में जानेंगे महाशिवरात्रि को लेकर जनपद के शिवालयों में क्या है तैयारी, रेल यात्री को जल्द ही मिल सकेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। अब खबरें विस्तार से। तीन बच्चों के अपहरण की सूचना निकली झूठी। थाना सरसावा क्षेत्र में तीन बच्चों के अपहरण की सूचना झूठी निकली है। आपको बता दें कि साजिद प्रधान निवासी ग्राम कुमार हेड़ा थाना सरसावा ने बच्चों के अपहरण की डायल 112 पर सूचना दी थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। बच्चों ने बताया कि वह सभी साइकिल चलाते हुए थाना सरसावा क्षेत्र से 2 किलोमीटर आगे निकल गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ। ईंट भट्टे के पास अचानक से मालवाहक वाहन में लगी आग, क्षेत्र में हड़कंप। आपको बता दें कि देवबंद कोतवाली की तलहेड़ी चौकी स्थित ईंट के भट्टे के पास अचानक से मालवाहक वाहन में आग लग गई। आग की लपटें देखकर भारी भीड़ भी मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद मिला सहारनपुर के नौजवान को। स्टार भारत पर आयोजित राधा कृष्ण सीरियल में भगवान शनि देव का लीड किरदार, लोगों ने दी बताई। दिल्ली रोड स्थित होटल में एबी प्रोडक्शन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एबी प्रोडक्शन के डायरेक्टर अक्षत वर्मा द्वारा सहारनपुर में जन्मे मॉडल एक्टर आकाश यादव का टीम द्वारा फूल मालाओं और बुके देकर सम्मान किया गया। उनको स्टार भारत पर चल रहे राधा कृष्ण सीरियल में शनि देव भगवान का लीड किरदार निभाने पर बधाई भी दी गई और सभी लोगों द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सफाई कर्मियों के लिए लोन मेले का आयोजन। सफाई कर्मियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सिविल सफाई के कार्य का जोखिम कम करने के लिए नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जनमंच में स्वच्छता उद्यमी योजना के अंतर्गत एक लोन मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सीवर से जुड़े सफाई कर्मचारियों को मशीनें खरीदने के लिए व्यक्तिगत रूप से 15 लाख रुपए तक और ग्रुप को 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यूपी को बैंक और कैनरा बैंक के प्रबंधकों ने बताया कि यदि कोई भी सफाई कर्मचारी उक्त योजना के लिए लोन का इच्छुक है तो उनकी ब्रांच उनकी मदद के लिए प्रॉपर तैयार है। आप जल्द मिल सकेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे बोर्ड ने दी बिक्री की स्वीकृति। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने 1 साल बाद प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री की स्वीकृति दे दी है। जोनल रेलवे का अंतिम फैसला लेने और रेल प्रशासन को प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत तय करने का अधिकार दिया गया है। संभावना है कि जल्द ही प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। नौकरी संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। क्षेत्र के गांव पाडोली में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राज में देश तरक्की की और अग्रसर था, लेकिन आज कांग्रेस को लुटेरी कहने वालों ने कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी सेक्टरों का निजीकरण कर महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने सभी से क्षेत्रीय दलों से सावधान होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। युवा जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की आड़ में रोजगार छीनने का कार्य कर देश को बेरोजगार बनाने का कार्य किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तीतरों नगर पंचायत कार्यालय पर स्वच्छता भारत मिशन के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को साफ सफाई रखने व प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की गई है। पंचायत कार्यालय पर आयोजित नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने प्लास्टिक का प्रयोग न करने, साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग डंपर में गिराना और महिलाओं को अपनी सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए उसके बारे में भी समझाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार, अधिशासी अधिकारी अलकेंद्र सिंह एंड हेड क्लर्क राजकुमार, रविश कुमार सहित अन्य समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। जल संरक्षण रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। रामपुर मनिहारन में आज शनिवार कस्बे की नामचीन संस्था गोचर कृषि इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने गांव खानपुर में चल रहे शिविर के 5वें दिन जल संरक्षण विषय पर रैली निकाली। इस दौरान जल ही कल है,
जल ही जीवन है, हम सबने ठाना है पानी को बचाना है जैसे नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान रवि पवार, प्रदीप कुमार, राजकुमार, तनुज आदि मौजूद रहे। मारुति चालक ने संतुलन खोया, गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। मिली जानकारी के अनुसार आज शनिवार दोपहर 2 बजे एक व्यक्ति गाड़ी को लेकर अम्बेटा की ओर जा रहा था। जैसे ही चालक गाड़ी लेकर कस्बे के मोहल्ला किला में स्थित तालाब के पास पहुंचा तो अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और चालक गाड़ी समेत तालाब में जा गिरा। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को गाड़ी से बाहर निकाला। घटना के समय गाड़ी में केवल चालक ही मौजूद था। मिली जानकारी के अनुसार चालक स्कूल से बच्चे को लेने कस्बे में आया था। किसानों ने पूर्वी यमुना नहर कीबल तहसील बेहट क्षेत्र के गांव आलमपुर अजवाहे में पानी न छोड़े जाने से गुस्साए दर्जनों किसानों ने पूर्वी यमुना नहर को पत्थर, मिट्टी के कट्टे आदि से नहर बंद कर अजवाहों में पानी चालू कर दिया। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। देखिए इस दौरान किसानों का क्या कहना था। मामला यह है, नहर में 1.5 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बहुत थोड़ा पानी आ रहा है, इसलिए एक नंबर राजबाह आलमपुर हमारा राजबाह पड़ता है, उसमें ऊंचाई होने की वजह से पानी नहीं चढ़ता, कम पानी की वजह से, इसलिए नहर में थोड़ा सा बंधा लगाया गया जिससे कि राजबाह में पानी चढ़ जा और फसलों की सिंचाई हो सके। फसलें बर्बाद की उस पे है, दाना बन चुका, पेड़ जो लगाए थे वो सूख गए। क्या आपने अधिकारियों का अवगत नहीं करा? अधिकारियों को अवगत क्या कराए, सबको पता है 1.5 महीने से नहर में पानी नहीं है, अधिकारियों को ये नहीं पता कि अब फसल में पानी का टाइम है। बस अब कोशिश हमारी तो कोशिश यही है, मान लिया थोड़ा पानी आ रहा, कोशिश कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं किसान लोग, क्या कर सकते हैं। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।